क्या धर्मांतरण है चुनावी धाम? पहले मुस्लिम धर्म गुरु की गिरफ्तारी, आधे घंटे में उसे इस्लाम के बारे में क्या जान लिया होगा? अब एक आईएस का मजहबी वीडियो, ऐलान करो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान। यूपी में धर्मांतरण पर सियासी रण, दो हजार बाईस में धर्मांतरण एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, धर्मांतरण रैकेट से जुड़े खुलासे को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो को लेकर योगी सरकार और विपक्ष आमने सामने है। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एक आईएएस हैं जिनका, जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चेयरमैन भी हैं, उनका नाम है इफ्तिखारुद्दीन। उनके सामने वो एक जगह मौजूद है जहाँ पे उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो धर्म परिवर्तन करता है हम उसकी दावत देते हैं, ऐसा उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस तरीके से आईएएस नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको गंभीरता। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून की जिम्मेदारी से क्यों भागती है, कानून क्यों नहीं पालन करवा पा रही, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हर मौके पे फेल नजर आ रही है। तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की होती है कि उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं कैसे चले। तो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। आपको लगता है कि अधिकारी की संलिप्तता पाई गई इसको लेकर के? मेरी बात अभी तक आप समझ में आई? भाई, यहां कोई भी घटना अगर होगी उत्तर प्रदेश के अंदर तो जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विपक्ष का सीधा आरोप है कि एक अफसर धर्मांतरण का धंधा करता रहा और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रही, यानी योगी सरकार हर मसले पर फेल है। बड़ी बात यह है कि अब धर्मांतरण पर यूपी में सियासी महाभारत शुरू है। सियासी रण में वार पलटवार में पीछे कोई नहीं। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो पुराना बताया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी इफ्तिखारुद्दीन को विरोधी पार्टियों का करीबी बता रही है। सवाल यह है कि अगर वीडियो पुराना है तो चुनाव से ठीक पहले वायरल होना संयोग है या फिर प्रयोग? अपने आवास में लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया है। मैंने तो मांग की है कि उस स्थान को गंगा जल से पवित्र किया जाए। दरअसल इफ्तिखारुद्दीन का प्रशासनिक बैकग्राउंड और उनका यूं धर्मांतरण वाली वीडियो से जुड़ जाना पूरा वाकया चौंकाता है। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन 1985 में आईएएस बने। करीब 35 सालों से वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में है। उन्होंने कलेक्टर से सचिव तक करीब 42 पदों पर काम किया। 2007 से लेकर 2017 तक कानपुर में विभिन्न पदों पर तैनात रहे। फिलहाल वो यूपी राज्य सड़क परिवहन आयोग के अध्यक्ष हैं। धर्मांतरण रैकेट से एक आईएएस का नाम जुड़ने से मामला बहुत संजीदा और पेचीदा हो जाता है। आखिर कानून क्या कहता है, हम आपको बता दें। कोई भी अफसर अपना धर्म मानने को स्वतंत्र है। सरकारी अफसर धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता, धर्म या मजहब का प्रचार नहीं कर सकता है, किसी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखा सकता। नियम तोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव है। अगर वायरल वीडियो की जांच के बाद आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का ऑडियो पाया जाता है, अगर वायरल वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो कार्रवाई हो सकती है। जानकारों के मुताबिक सर्विस रूल के हिसाब से सरकारी सेवकों का धर्म सिर्फ और सिर्फ संविधान का पालन करना होता है। अगर कोई अफसर ऐसा नहीं करता तो उसे सर्विस कंडक्ट रूल के खिलाफ माना जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि इस केस में फाइनल रिपोर्ट क्या आती है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष मिश्रा, लखनऊ आज तक।